जी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। इनके एक पुत्र हुआ जिनका नाम था भरत। ये कोई और भरत नहीं, ये वही भरत जी महाराज जी जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऋषभ देव जी जो भगवान जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर माने गए, हमारे में 24 भगवान होते हैं, 24 तीर्थकर माने गए, तो प्रथम तीर्थकर हैं श्री ऋषभ देव जी। महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए और इन्होंने धर्म का उपदेश किया। बोलो श्री ऋषभ देव भगवान की जय। फिर ऋषभ देव भगवान कई हजार वर्षों तक प्रजा का पालन करते हैं। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए और जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम भरत था, वो इस देश के राजा हुए, उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋषभदेव भगवान अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज्य दे करके जंगल में चले गए और नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। जैन धर्म कोई अलग धर्म नहीं है, हमारे भागवत में उसका वर्णन है। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव जी भगवान, वह भी हमारे भागवत